जैसे आप सब लोग आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है वो उसका रिएक्शन रेट जो है वो मोलिक्यूल molecule, दो मोलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो रिएक्शन रेट कैन बी एक्सप्रेस एज मतलब इसमें दो टाइप का रिएक्टेंट हो सकता है जैसे कि दो पर डिपेंड करता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दोनों रिएक्टेंट एक ही टाइप का हो जैसे ए प्लस ए ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रिएक्टेंट अलग अलग टाइप का हो ए प्लस बी जैसे कि दोनों अलग अलग रिएक्टेंट तो अगर एक ही टाइप का रिएक्टेंट है तब उसका रिएक्शन रेट डी एक्स अपन डी टी इज इक्वल टू के स्क्वायर ए होगा ठीक और फिर मान लीजिए अलग अलग टाइप का मोलिक्यूल है तो डी एक्स अपन डी टी के सी ए और सी बी तो इसके लिए जो इक्वेशन है उसको हम इस प्रकार से डिराइव करेंगे पहला है जिसमें कि इक्वल हो रेट एक्सप्रेशन वैन कंसनट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज इक्वल ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे जो दोनों के एक टेंट है वो इक्वल हैं जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं तो इसका इनिशियल जो कंसनट्रेशन है एक टेंट का वो ए है ठीक और टी टाइम बाद जब वो जब उसका एक्स पार्ट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा ठीक तब तो उसका कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए ठीक कितना हो जाएगा ए माइनस एक्स क्योंकि एक्स पार्ट तो प्रोडक्ट में चेंज हो गया है ठीक तो हम लोग उसका रेट रिएक्शन रेट रेट ऑफ क्रिएशन देखेंगे तो डी एक्स अपन डी टी ठीक डी एक्स अपन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स दोनों का लिया है ना इसलिए दो बार ए माइनस एक्स ठीक अब डी एक्स अपन डी टी इज इक्वल टू के के जो है वो कांस्टेंट है इसको हटाए हैं तो फिर आया है के तो ए माइनस एक्स का स्क्वायर दोनों को वो कर लेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा फॉर्मूले से ठीक फिर डी एक्स अपन ए माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना है? तो आएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपन ए माइनस एक्स स्क्वायर फिर इंटीग्रेशन के डी टी फिर इसको सॉल्व करेंगे तो वन अपन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई आई जो है वो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है ठीक वेन टी इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो तो तो आई जो हो जाएगा वो वन वन अपन ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स जीरो है टी भी जीरो हो जाएगा तो आई का वैल्यू वन अपन ए हो जाएगा तो फुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू इस इस इक्वेशन में आई का वैल्यू वन अपन ए पुट करने पर यहाँ पे वन अपन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस वन अपन ए के इज इक्वल टू वन अपन मतलब के को इधर ले आएंगे तो Is equal to one upon T, one upon A minus X, A minus one upon A, k is equal to one upon T into O A minus A minus X, A A minus X, t, k is equal to one upon T into X of one. ए ए माइनस एक्स क्योंकि ये ए दोनों कट जाएगा ठीक तो इक्वेशन थर्ड जो है वही है रेट एक्सप्रेशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज इक्वल का इक्वेशन ठीक तो यही है तो इसके बाद हम लोग सेकेंड देखेंगे जिसमें कि दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो अलग अलग होंगे तो इसमें हम देखेंगे देखेंगे कि रेट एक्सप्रेशन वैन द कंसनट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल, ठीक? ए प्लस बी जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होगा तो ए बी ये जो इस इसका इनिशियल कंसंट्रेशन होगा फिर ये जब एक्स पार्ट इसका चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में तो इसका मतलब टी टाइम बाद ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा तो इसके लिए रिएक्शन रेट डी एक्स अपन डी टी इस डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स फिर वो उसको सेम वैसे ही कर, आ, करेंगे उसके जगह पे किया जाएगा फिर ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स फिर यहाँ पे ये इधर आ जाएगा और डी टी ई साइड आ जाएगा ठीक फिर डी एक्स अपन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी फिर स्प्लिटिंग इन टू फ्रैक्शन विक गेट पार्सियल फ्रैक्शन में हम हम लोग इसको स्प्लीट करेंगे तो वन अपन ए माइनस बी क्योंकि यहाँ का ए और यहाँ का बी को ले लेते हैं ठीक फिर इसको बड़े कोष्टक में रखेंगे फिर डी एक्स अपन बी माइनस एक्स इसको फिर ए डी माइनस ए डी एक्स अपन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी ठीक फिर इंटीग्रेशन वी गेट जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो हमको ये मिलेगा वन अपन ए माइनस बी ये सेम है फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग बी माइनस एक्स ये फ्यू प्लस लॉग बी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई इक्वेशन फोर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट वेन टी इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो देन इक्वेशन वन इज जब टी और एक्स दोनों जीरो हो जाएंगे ये एक्स भी जियो और ये टी भी जीरो ठीक तो आई इज इक्वल टू वन अपन ए माइनस बी लॉग ए अपन बी ए अपन बी इसी को लिया है ठीक और एक्स दोनों है जीरो हो गया है टी भी जीरो हो गया है ठीक फिर इस आई का वैल्यू को हम लोग इसमें रखेंगे इस आई के जगह पे ठीक ठीक हो जाएगा इक्वेशन फाइव का वैल्यू फोर में रखने पर तो ये है इक्वेशन फाइव इसका वैल्यू फोर में रखेंगे तब तो वन अपन ए माइनस बी लॉग ए माइनस एक्स अपन बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस वन अपन ए माइनस बी लॉग ए अपन बी के इज इक्वल टू वन अपन टी ए माइनस बी लॉग बी ए माइनस एक्स अपन ए बी माइनस एक्स ठीक फिर कन्वर्टिंग टू द लगे गए थे हम टू द बेस टेन मतलब कि इसको लॉग लॉग में ये जो लॉग है ना उसको लोगे गए थे हम मतलब कि टेन को बेस मान के मतलब उसमें कन्वर्ट किया है ठीक यहाँ पे लॉक टेन हो जाता है और यहाँ पे यहाँ पे टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आ जाएगा तो के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री टी ए माइनस ए माइनस बी लॉक टेन बी ए माइनस एक्स ए बी माइनस एक्स ये है इक्वेशन सिक्स यही है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन जो कि जिसमें कि दोनों दोनों जो रिएक्टेंट हैं वो इक्वल नहीं होते हैं उसके लिए